हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। हम 10th चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसके अंदर हमारी 10.2 एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई थी। और पिछले वीडियो में हमने 10.3 एक्सरसाइज शुरू की थी, उसकी प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ 10x dx, हमने इसको इंटीग्रल आई लिया और फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसका यूज कर रहे हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। करो बेटा अप्लाई। 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ 10, x की जगह रखेंगे पाई बाई 2 माइनस में x। अब देखो, पाई बाई 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 10 कैसा? पॉजिटिव। और पाई बाई 2 के साथ 10 किस में बदल जाएगा? कोट में। और इसको सोल्व करने के बाद इसे नाम दे दो सेकेंड इक्वेशन। और अब फर्स्ट को और सेकेंड को ऐड कर दो। जब फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i। फिर देखो बेटा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट मैंने कॉमन ले ली, हमारे पास आएगा लॉग 10x प्लस में लॉग ऑफ कोट एक्स और dx। अब देखो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस में लॉग n लिख सकते हैं, जहाँ पे m का काम तो कर रहा है 10x और n का काम कर रहा है कोट एक्स। हमने वहाँ से प्रॉपर्टी लिख दी लॉग m इंटू n की। अब देखो बेटा, कोट एक्स को 1/10x लिख सकते हैं, यानी कि कोट से 10 कैंसिल हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2 हमारे पास बचा लॉग 1, और लॉग 1 होता है 0, और 0 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? 0। तो 2i = 0, यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रल i = 0। ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें कहते हैं 0 से 1 लॉग ऑफ 1 प्लस में एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है dx। देखो बेटा, ये दे रखा है। पीछे हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, सेवन्थ में पढ़ा था, अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है ना, और हमें सब्स्टिट्यूशन लगानी हो तो हम टेन थीटा की लगाएंगे। ठीक है, देखो इधर, सबसे पहले तो अगर सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, लिमिट बदल लेते हैं। अगर एक्स 0 है तो टेन थीटा बराबर 0, वहाँ से थीटा आ जाएगा 10 वर्स 0, और 10 वर्स 0 क्या होता है? 0। अगर एक्स 1 है तो थीटा बराबर हो जाएगा 10 वर्स 1, और 10 वर्स 1 क्या होता है? पाई बाई 4। उसके बाद लॉग ऑफ 1 प्लस में एक्स की जगह 10 थीटा, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वेयर थीटा बनेगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा। और जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी, अगर हम उसके अंदर डेरिवेटिव करते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, टेन का हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन में dx, यानी कि dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। देखो बेटा, सीकेंड स्क्वेयर से सीकेंड स्क्वेयर कैंसिल हो गया। इंटीग्रल i = 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस में टेन थीटा डी थीटा, इसे आप फर्स्ट कह दो। और अब इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करो। जब फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस में 10 थीटा की जगह आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस में थीटा। और 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला होता है क्या? देखो, 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस में, अब 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा का होता फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस में 10 थीटा डी थीटा। सोल्व कर लेते हैं इसको। 0 से पाई बाई 4 लॉग ऑफ, अंदर बेटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 1 प्लस में 10 थीटा, ऊपर यहाँ बनेगा 1 प्लस में 10 थीटा प्लस में 1 माइनस में 10 थीटा डी थीटा। देखो, 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल हो गया, 0 से पाई बाई 4 है, ऊपर हमारे पास 1 प्लस 1 2 अपॉन में 1 प्लस में 10 थीटा डी थीटा डी थीटा। अब देखो बेटा, लॉग
एम बाई एन की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम माइनस में लॉग एन। अगर हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रल आई इक्वल टू 0 से π/4 लॉग 2 माइनस लॉग 1 प्लस में टेन थीटा डी थीटा लिखा जाएगा। इसे कह दो बेटा आप सेकंड, और अब फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर दो। जब ऐड करेंगे तो i प्लस आई क्या बन गया 2i। ध्यान से सुनो बेटा, 0 से π/4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन थीटा इसके पास है, और इसके पास यही टर्म सेम टर्म माइनस की होगी, तो वो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 0 से π/4 लॉग 2 डी थीटा बचेगा। अब देखो लॉग 2 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा आएगा, और उस पर लिमिट लगाएंगे 0 से π/4। तो 2i इक्वल टू लॉग 2 तो एज इट इज छोड़ दो, और उसके बाद थीटा की जगह रख दिया हमने π/4। जब यहाँ से इंटीग्रल आई निकालेंगे तो 2 को इधर डिवाइड में भेज दो, तो यह आ जाएगा लॉग 2 इंटू में π/8। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो बेटा इसी का थर्ड पार्ट। 0 से 1 लॉग ऑफ 1x-1 dx ये दे रखा है। हमने क्या किया पहले बेटा कि लॉग के अंदर यहाँ एलसीएम ले लिया, x आएगा और ये बन गया 1-x dx। इसे इंटीग्रल i नाम दे दो, ठीक है, और इक्वेशन कह दो बेटा फर्स्ट। और यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अब जब हम इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना बेटा, तो x की जगह अपर लिमिट माइनस x, यानी कि x की जगह 1-x रखा जाएगा, नीचे भी 1-x dx। इसको सोल्व करें, 0 से 1 लॉग ऑफ, अंदर माइनस को लेके गए तो 1-1 प्लस का x अपॉन में 1-x dx, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा इंटीग्रल i इक्वल टू 0 से 1 लॉग ऑफ x अपॉन में 1-x dx, और इसे कह दिया हमने सेकेंड। अब देखो बेटा फर्स्ट और सेकेंड को जब ऐड करेंगे तो i प्लस आई आ गया 2i। 0 से 1 लॉग ऑफ 1-x अपॉन में x, उसके प्लस में आ जाएगा लॉग ऑफ x अपॉन में 1-x dx, और यहाँ पर आपकी वही प्रॉपर्टी बन रही है लॉग m प्लस n है, तो हम उसको लॉग m इंटू n लिख सकते हैं, जिसमें m का काम कर रहा है 1-x अपॉन में x, और n का काम कर रहा है x अपॉन में 1-x dx। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 का इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा, और 0 के डिवाइड में अगर हम 2 को लेके आएंगे तो इंटीग्रल i की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। नेक्स्ट देखो बेटा, 0 से π/2 साइन 2x लॉग ऑफ 10x dx ये दे रखा है बेटा। देखो इसे इंटीग्रल i नाम दे रहे हैं, और इक्वेशन फर्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की तो 0 से π/2 x की जगह रखेंगे π/2-x। देखो बेटा साइन 2 तो एज इट इज, मैंने x की जगह रख दिया π/2-x इंटू में लॉग ऑफ 10 है, यहाँ पर भी x की जगह रख दिया π/2-x dx। देखो इंटीग्रल i इक्वल टू 0 से π/2 बेटा, जब इस 2 को हम अंदर भेजेंगे तो यहाँ तो आएगा पाई और माइनस में आ जाएगा 2x, और अगर इसको सोल्व करें तो π/2-1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, और π/2 के साथ 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। अब देखो बेटा 0 से π/2 ये तो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और पाई के साथ नो चेंज, तो ये क्या आ जाएगा sin 2x इंटू में हमारे पास है लॉग ऑफ कोट एक्स डी एक्स, और आप इसे कह दो सेकेंड। जब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो i प्लस आई आ जाएगा 2π 2i, 0 से आ गया π/2। अब देखो sin 2x लॉग ऑफ 10x इसके प्लस में आएगा बेटा sin 2x लॉग ऑफ कोट एक्स
और डी एक्स। इस पूरे में से साइन टू एक्स कॉमन आ रहा है, तो टू आई इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू। जब हम साइन टू एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा बेटा लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस में लॉग ऑफ कोट एक्स। और ये आपकी वही प्रॉपर्टी बन गई कि लॉग एम प्लस लॉग एन है, तो हम इसको लॉग एम इंटू एन लिख सकते हैं। यहाँ से साइन टू एक्स तो बाहर और अंदर लॉग एम इंटू एन लिखेंगे तब टेन एक्स इंटू में कोट एक्स आ जाएगा डी एक्स। कोट से टेन कैंसिल होगा, वन बचेगा, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, वो जीरो इस कंप्लीट फंक्शन को जीरो बना देगी। तो यहाँ से इंटीग्रल आई भी क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन में टू यानी कि जीरो। नेक्स्ट देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से पाई साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में कोस क्यूब एक्स डी एक्स। देखो इसे इंटीग्रल आई कह के फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। यहाँ पर अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं तो जीरो से पाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स रखा जाएगा, इधर भी कोस की पावर थ्री पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो बेटा पाई माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और पाई के साथ नो चेंज, तो ये तो साइन स्क्वेयर एक्स आएगा। लेकिन बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और चेंज नहीं होगा, तो कोस की पावर थ्री एक्स डी एक्स, इसे कह दो सेकंड। बेटा जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे ना तो आई प्लस आई क्या आ गया, टू आई। राइट साइड को ध्यान से देखो और ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब आप ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा और यहाँ से इंटीग्रल आई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, फिर जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट सुनो, जीरो से वन लॉग ऑफ एक्स अपॉन में अंडर द रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। देखो बेटा जब हमें रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर मिलता है ना, तो हम एक्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं वो या तो लगाते हैं साइन की या फिर लगाते हैं कोस की, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। देखो बेटा हम एक्स को पुट कर रहे हैं साइन थीटा, ठीक है। जब हम लिमिट चेंज करेंगे तो बेटा एक्स अगर जीरो है तो थीटा बराबर साइन वर्स जीरो, और साइन वर्स जीरो क्या होता है, जीरो। जब एक्स को वन रखोगे तो थीटा बराबर साइन वर्स वन, और साइन वर्स वन की प्रिंसिपल वैल्यू होती है पाई बाय टू। उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ साइन थीटा रख दो, लॉग साइन थीटा, नीचे वन माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा। उसके बाद ये जो सब्स्टिट्यूशन लगाई है, अगर हम इसके अंदर डेरिवेटिव करते हैं तो बेटा एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाएगा वन, इधर साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स, यानी कि डी एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। ध्यान से देखो, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा होगा, उसके स्क्वेयर से रूट कैंसिल करेंगे तो कोस थीटा आएगा, यानी कि कोस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल आई इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू लॉग साइन थीटा डी थीटा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे कह दिया हमने फर्स्ट। उसके बाद हमने फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन थीटा की जगह आएगा पाई बाय टू माइनस में थीटा डी थीटा। बेटा पाई बाय टू माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और पाई बाय टू के साथ साइन किस में दल जाएगा, कोस थीटा में डी थीटा, और इसे कह दो सेकेंड। और अब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई क्या आ जाएगा, टू आई। देखो बेटा जीरो से पाई बाय टू लॉग साइन थीटा प्लस में लॉग कोस थीटा और डी थीटा, प्रॉपर्टी बन रही है लॉग एम प्लस में लॉग एन, तो ये क्या लिखेंगे, लॉग एम इंटू एन, और एम इंटू एन यानी कि लॉग साइन थीटा इंटू में आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा, टू आई के इक्वल। अब देखो बेटा यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला बना रहे हैं, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा में फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया बेटा, टू से मल्टीप्लाई कर दिया लॉग के अंदर ही, और टू से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये जीरो से पाई बाय टू
लॉग ऑफ, ऊपर पढ़ गया बेटा टू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा साइन टू थीटा, और अपॉन में हमारे पास है टू डी थीटा। देखो टू आई इक्वल टू, यहाँ मैं लॉग एम बाई एन की प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, ये आ गया जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन टू थीटा माइनस में लॉग टू डी थीटा। अब देखो बेटा इस पार्ट को तो अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखो ये ध्यान रखना है आपको, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन दी थी ना, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ तो साइन थीटा था, यहाँ पर क्या है साइन टू थीटा है। देखो एक बार तो टू आई इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू थीटा डी थीटा अलग से, और माइनस में बेटा लॉग टू तो एज ए कॉन्स्टेंट बार ले लिया, और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, और उस पर लिमिट लग जाएगी जीरो से पाई बाई टू, यानी कि इसको आप सोल्व करोगे ना तो ये आ गया माइनस में लॉग टू पाई बाई टू। एक बार इसको तो यहीं छोड़ दो, अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं कि जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू थीटा डी थीटा। इधर देखो जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू थीटा डी थीटा। बेटा यहाँ पे सेम एंगल बनाने के लिए हमने क्या किया, टू थीटा को टी पुट कर दिया। जब हम लिमिट चेंज करेंगे, थीटा अगर जीरो है तो टी जीरो आएगा, थीटा को जब तुम पाई बाई टू रखोगे तो ये बेटा पाई आ जाएगा, और इसके अंदर जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो टू थीटा का टू और टी का डी टी अपॉन में डी थीटा, टू को इधर भेज देना। देखो लोग ये बन गया बेटा साइन टी, और डी थीटा आ जाएगा वन बाई टू डी टी। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं तो अब लॉग साइन डी टी है, यहाँ लॉग साइन थीटा डी थीटा है, तो ये तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेस पे हम वेरिएबल तो बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत हो जाएगी लिमिट वाली। यहाँ पर बेटा हम लास्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आपको जो बताई भी थी, लास्ट प्रॉपर्टी का यूज होता है अपर लिमिट का हाफ करने के लिए, और उसमें क्या देखा जाता है कि हमारा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स सेम होना चाहिए। जैसे एफ ऑफ टी आपका लॉग साइन टी है, आप जब टी की जगह पाई माइनस में टी रखोगे तो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव नो चेंज, वापस से वही फंक्शन आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स के इक्वल है। तो प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, पूरे फंक्शन का डबल कर दो और अपर लिमिट का हाफ कर दो, और ये लॉग साइन टी डी टी एज इट इज रख दो। अब देखो टू से टू कैंसिल हो गया, हमारे पास है जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन टी डी टी। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करो, फर्स्ट इक्वेशन में और इसमें सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस है, और हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम ए से बी एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं, यानी कि बाई यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी हम इसको जीरो से पाई बाई टू, अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी किस में है थीटा में है, तो हम इसको थीटा में लिख देते हैं लॉग साइन थीटा डी थीटा, यानी कि ये जो आया ये तो इंटीग्रल आई के बराबर था, तो हम इसको क्या कह सकते हैं आई, तो ये वैल्यू किसकी थी इसकी थी, तो इसके अंदर ले आएंगे टू आई इक्वल टू, इस पूरे की जगह हम आई रख सकते हैं, और माइनस में हमारे पास पाई बाई टू लॉग टू था, इस आई को जब उधर भेजेंगे तो टू आई माइनस आई क्या आएगा आई, और माइनस में पाई बाई टू लॉग टू, ये हमारा आंसर है। और आगे से आपको ये आंसर याद रखना है, किस कौन सा वाला, ये जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन थीटा डी थीटा का आंसर क्या होता है, माइनस पाई बाई टू लॉग टू, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन के अंदर इसका यूज करेंगे हम। नेक्स्ट देखो बेटा ये कहता है जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ फोर प्लस थ्री साइन एक्स अपॉन में फोर प्लस थ्री कोस एक्स इंटीग्रल आई, और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया। अगर बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो जीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ फोर प्लस में थ्री साइन एक्स की जगह रख रहे हैं पाई बाई टू माइनस एक्स, नीचे भी फोर प्लस में थ्री कोस है वहाँ रख दिया पाई बाई टू माइनस एक्स, अब पाई बाई टू माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो चाहे कोस हो दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अगर साइन तो है तो वो कोस में चेंज हो जाएगा और कोस है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। और अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i। यहाँ देखो 0 से π/2 लॉग ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x है, इसके प्लस में लॉग ऑफ 4 + 3 cos x अपॉन में 4 + 3 sin x आ जाएगा dx। और यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी बन रही है, लॉग m प्लस लॉग n है तो हम उसको लॉग m इंटू n लिख सकते हैं। जब m इंटू n लिखेंगे तो m का काम कर रहा है 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x, इंटू में n का काम कौन कर रहा है 4 + 3 cos x अपॉन में 4 + 3 sin x dx। अब देखो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या रह जाता है 1, और लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 का इंटीग्रेशन भी क्या होगा 0, और इस 2 को इधर भेजेंगे तो 0/2 भी क्या हो जाएगा 0। ये था आपका क्वेश्चन सेकंड। फिर देखो बेटा थर्ड, थर्ड में कह रहा है 0 से a √x है अपॉन में √x प्लस में √a − x dx। देखो बेटा इंटीग्रल आई इसे कह दो फर्स्ट, हमने यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये लिखा जाएगा, देखो 0 से a अपर लिमिट हमारी a है तो x की जगह a − x रखेंगे, नीचे भी जहाँ जहाँ x है हम a − x रखेंगे। यहाँ पर भी देखो a था, x की जगह a − x रखा, माइनस अंदर गया तो x किसका हो गया प्लस का, यहाँ a से a कैंसिल हो गया, ये आ जाता है 0 से a √a − x अपॉन में √a − x प्लस में √x dx, इसे कह दो आप सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो i प्लस i क्या आ गया 2i, 0 से a √x अपॉन में √x प्लस में √a − x प्लस में यहाँ से √a − x अपॉन में √a − x प्लस में √x और dx। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा √x प्लस में √a − x, यहाँ पर भी क्या आएगा √x प्लस में √a − x dx, और ये 0 से a था 2i के इक्वल। बेटा ये कैंसिल होके 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, उस पे 0 से a लिमिट लगाएंगे तो 2i इक्वल टू a आ गया, यहाँ से i हो जाएगा हमारा a/2। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड सुनो, ये कह रहा है 1 से 4 √x है अपॉन में अंडर द रूट 5 − x है और प्लस में √x है, इंटीग्रल i, इसे भी हमने क्या कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। बेटा यहाँ पर भी फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे लेकिन यहाँ हमारी लोअर लिमिट 0 नहीं है, ध्यान रखना है। तो जब फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि हमें x की जगह क्या रखना है 1 + 4 5 − में x रखेंगे। देखो इंटीग्रल i इक्वल टू 1 से 4 x की जगह आ गया 5 − x अपॉन में यहाँ पर भी देखो 5 था, x की जगह 5 − x आया, x अंदर चला जाएगा, माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर भी 5 − x dx आ गया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया और इसे कह दो सेकंड। जब आप ऐड करोगे तो i प्लस आई 2i, 1 से 4 बेटा ऐड करके एलसीएम लोगे तो कैंसिल होके 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, उस पे लिमिट लगा दो 1 से 4 तो ये 4 − 1 यानी कि कितना आ गया 3, तो हमारा इंटीग्रल i कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेटा बिल्कुल सेम है, वहाँ पे लिमिट 1 से 3 है, जब आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे तो 1 + 3 यानी कि 4, एक्स की जगह तुम्हें क्या रखना है 4 − x। उससे अगला पार्ट देखो 0 से 7 है
क्यूब रूट ऑफ एक्स है अपोन में, यहाँ पर भी क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस में क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रल आई और फर्स्ट इक्वेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हम x की जगह रखेंगे 7 माइनस एक्स। देखो इंटीग्रल आई इक्वल टू 0 से 7, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 7 माइनस एक्स रख दो, यहाँ पर भी 7 माइनस एक्स और यहाँ पर भी 7, पहले से था 7 माइनस एक्स तो माइनस माइनस प्लस डी एक्स, ये 7 से 7 कट जाएगा, इसे क्या 2 सेकेंड। जब आप फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो i प्लस आई आ जाएगा 2i, और इन दोनों का सम करके जब एलसीएम लेंगे तो कैंसिल होके 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन होगा x और उस पर लिमिट लग जाएगी 0 से 7, तो कितना आ गया 7, यानी कि इंटीग्रल i की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखो बेटा फोर्थ, 0 से 1 है, x है और 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 है। बेटा हम यहाँ x के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम क्या कर रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जब अप्लाई करेंगे, चाहे इसको 1 मत कहो आप, तो बेटा x की जगह 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी x की जगह 1 माइनस एक्स आएगा, उसकी पावर 3/2 डी एक्स है, तो 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 0 से 1 1 माइनस एक्स और x की पावर 3/2 डी एक्स। इस x की पावर 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3/2, माइनस में जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 प्लस में 3/2 ये 5/2 आ जाएगा और डी एक्स। और अब इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो x की पावर 3/2 का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1, सेम x की पावर 5/2 का करेंगे, 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1, और उस पर हम लिमिट लगा देंगे 0 से 1, और उसे क्या करेंगे सोल्व करेंगे। इससे अगला सुनो, जैसे 0 से 2 है, x अंडर द रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स है, जब हम वो फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना तो x की जगह 2 माइनस एक्स रखेंगे, तो ये तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, इसके अंदर जब 2 माइनस एक्स रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके रूट एक्स बचेगा, और अब इसमें इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√x माइनस में, जब x की मल्टीप्लाई रूट एक्स से होगी पावर ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 आ जाएगा dx, पावर में 1 ऐड करके क्या करना है इंटीग्रेट करना है।